हेलो व्यूवर्स, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, फेमस और काफ़ी टेम्पटिंग है। और वड़ा पाव के बाद इसी डिश को पसंद किया जाता है मुंबई में, और इस डिश का नाम है पाव भाजी। वैसे तो ये काफ़ी वैरायटी में बनाई जाती है, जैसे कि खड़ा पाव भाजी, पनीर पाव भाजी, मशरूम पाव भाजी, और ये नॉर्मल पाव भाजी है जो आपको हर एक स्ट्रीट पे मिलेगी। तो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए भी मैंने एक सिंपल तरीका अपनाया है, अगर आपको वो यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। चलिए बनाते हैं मुंबई की पाव भाजी एक आसान तरीके से। पाव भाजी बनाने के लिए मैं लिया हूँ 5 मीडियम साइज के आलू, इसे पील किया हूँ और कुक करने के लिए मैं कुकर में डाल दिया हूँ, और इसमें हम बाकी के वेजिटेबल्स ऐड करेंगे साथ में कुक होने के लिए। तो ये है पाव भाजी बनाने के लिए बेसिक वेजिटेबल्स जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये स्मॉल कॉलीफ्लावर मैं लिया हूँ, ये बीटरूट छोटा सा है, आप चाहिए तो बड़ा भी ले सकते हैं, 3 बड़े कैप्सिकम, शिमला मिर्च, 4 पीसेस ऑफ कैरेट्स, और ये 200 ग्राम ग्रीन पीस है। सब वेजिटेबल्स को हम इस कुकर में डाल के कुक करेंगे। यहाँ पे मैं लिया हूँ 5 मीडियम साइज के टोमेटोस और 3 बड़े ऑनियन, हम इन दोनों को चॉप करेंगे, फाइन चॉप करेंगे इसको। ये हमारा टोमेटो चॉप हो चुके हैं, हमारे ऑनियंस चॉप हो चुके हैं, और हमारे कैप्सिकम को भी मैंने चॉप कर लिया हूं। और ये हमारे वेजिटेबल्स पूरी तरह कुक हो चुके हैं कुकर में, आप देख सकते हैं बीटरूट का भी थोड़ा रंग छूटा है, आप चाहे तो मैशर से मैश कर सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसे मिक्सर में पीसूंगा। पाव भाजी बनाने के लिए मैं लिया हूं एक बड़ा बर्तन, ताकि जब भाजी बॉईल हो तो भाजी बाहर ना गिरे। ऑयल में डाल दिया हूँ, इसमें इतना ऑयल डाल रहा हूँ, वही सेम क्वांटिटी में बटर भी मैं इसमें डालूंगा। ये बटर तकरीबन 150 ग्राम्स है। ऑयल डालने से बटर नहीं जलेगा, और मैं इसमें डाल रहा हूँ बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता, हमें बे लीव्स का सिर्फ फ्लेवर चाहिए और कोई खड़े मसाले हमें नहीं डालना है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा चॉप ऑनियंस, थोड़ा सा नमक डालूंगा मैं ताकि ऑनियन जल्दी से कुक हो जाए, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 बड़ा चम्मच फुल डालूंगा मैं इसमें, अच्छे से सौते करेंगे। अब देख सकते हैं ऑनियन पूरी तरह से भून चुका है, उसके बाद ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया हूं इसमें। ये देखिए, इस मिक्सर में मैं भाजी को मैश कर रहा हूँ, केवल 5 सेकेंड्स आपको मिक्सर में घुमाना है, आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं 5 सेकेंड्स सिर्फ।
अब मैं इसमें डालूंगा चॉप टोमेटोस। टोमेटोस आपको फुल रेड वाले लेने हैं, रसीले टोमेटोस। टोमेटोस भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब मैं डाल रहा हूँ शिमला मिर्च, फाइन चॉप शिमला मिर्च मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसे भी हम अच्छे से सौते करेंगे। ताकि ये शिमला मिर्च भी अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए काफी अच्छे से गल चुका है हमारा ये बेस। हम इसमें से ये बे लीफ को आप निकाल देंगे। आप चाहे तो भाजी रेडी होने के बाद भी तेज पत्ते को निकाल सकते हैं। मैं इसे अब निकाल रहा हूं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, मैं इसमें डाल रहा हूं 3 बड़े चम्मच। बढ़िया कलर आता है इससे। और तीखी वाली मिर्च भी डालूंगा मैं इसमें 3 बड़े चम्मच। ताकि मिर्ची से कलर भी आ जाएगा और ये तीखी वाली मिर्ची से तेजपन भी आ जाएगा। थोड़ी सी हल्दी। दो चम्मच जीरा पाउडर भरकर डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगा मैं इसमें, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं हमें। दो चम्मच फुल धनिया पाउडर। यह है पाव भाजी मसाला जो इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में। आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। यह पाव भाजी मसाला मैं इसमें डाल रहा हूं 25 ग्राम्स। अच्छे से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान तरीका है पाव भाजी बनाने का और मैं एक सिंपल तरीके से बना रहा हूँ सिंपल मसालों के साथ जो कि इजीली अवेलेबल है और वेजिटेबल्स भी आपको इजीली मार्केट में मिलते हैं। इसका कॉस्ट मुझे आया है केवल 700 रुपीज इंक्लूडिंग पाव, जिसमें 25 से 30 लोग आसानी से इस पाव भाजी को खा सकते हैं और वो भी भरपेट खा सकते हैं। ये देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से कुक हो रहा है और तेल भी छूट रहा है। मैं इसमें डालूंगा 1 बाउल पानी ताकि मसाला और अच्छे से कुक हो जाए, इवनली मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है इस बेस में। और ये देखिए तेल ऊपर तैरना शुरू हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला अच्छे से कुक हुआ है। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर दिख रहा है। अगर आपको इसमें कलर कम लग रहा है तो आप बाद में फूड कलर भी डाल सकते हैं, रेड फूड कलर, एडिबल फूड कलर जिसे हम कहते हैं, वो आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रहा हूं हमारे मैश किए हुए वेजिटेबल्स को जो हमने मिक्सर में घुमा लिया था। केवल 3 से 5 सेकंड घुमाना है आपको। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुक करने के लिए छोड़ देंगे।
अगर कुछ वेजिटेबल्स इसमें आपको दिखते हैं तो आप इसमें मैश कर सकते हैं मैशर के जरिए। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है इस पाव भाजी में। मैं इसमें और बटर अभी नहीं डालूंगा क्योंकि बटर हम डालेंगे सर्व करने के टाइम। ये मैं इसमें डाल रहा हूं चाट मसाला। आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे अच्छा खट्टापन आता है इस पाव भाजी में। और आप चाहे तो लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इस पाव भाजी को बॉईल करने के लिए रखा हूं। देख सकते हैं आप बॉईल आ रहा है इसमें। गैस को ऑफ कर देंगे, हमारी भाजी बिल्कुल तैयार है। पाव भाजी सर्व करने का अब ये फाइनल स्टेप है। तो पाव मैं लिया हूं और इसे मक्खन लगा रहा हूं। आप अपने हिसाब से मक्खन लगाइए, कितना आपको मक्खन लगाना इस पाव में। मक्खन लगाने के बाद हम इसे तवे के ऊपर सेकेंगे, दोनों साइड सेकेंगे अप एंड डाउन। ये देखिए बाहर की तरफ भी मक्खन लगा रहा हूं मैं, ताकि बाहर की तरफ भी अच्छे से सेक जाए पाव। पाव सेकते वक्त अपनी उंगलियों पे ध्यान दीजिए, खासकर महिलाएं अपनी उंगली ना जलाए। बस इसमें कलर आ जाए तो आपको इस पाव को निकालना है। आप देख सकते हैं गोल्डन कलर अंदर आ चुका है। ये देखिए बाहर से भी ये बिल्कुल पूरी तरह से सेक चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे भाजी के साथ में। ये हमारी प्लेट बिल्कुल तैयार है पाव भाजी की। हम इसमें डाल रहे हैं चॉप ऑनियंस, जितना मर्जी चाहिए आप डाल दीजिए इसमें। और चॉप धनिया भी मैं इसमें ऊपर से डालूंगा लास्ट में, ताकि वो फ्रेशनेस धनिया की बरकरार रह सके और आपको खाने में बहुत मजा आ जाएगा। ये देखिए बटर आपको कितना डालना है आप इसमें डाल सकते हैं। इस भाजी में टेस्ट लाने का बटर ही एक तरीका है। आप जितना इसमें डालेंगे उतना आपको मजा आएगा इस भाजी को खाते हुए। ये देखिए कितना मजेदार लग रहा है। ये सिर्फ दिखने में मजेदार नहीं है दोस्तों, ये खाने में भी वाकई में काफी मजेदार है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे जरूर बनाएंगे। जितना बटर मेल्ट हो जाएगा उतना ही मजे की भाजी लगती है खाने में। ये छोटा सा टुकड़ा पाव का और मैं अब इसे टेस्ट कर रहा हूं। काफी मजेदार और यम्मी पाव भाजी बनी है दोस्तों। काफी आसानी से हमने ये पाव भाजी बनाई है। आप भी इसे जरूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये पाव भाजी। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए।